हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो में टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की इक्वेशन ये किस काम आती है? सबसे पहले तो इट इज यूज्ड टू फाइंड अ रिलेशन between velocity of fluid at two different cross section in a pipe. For example, अगर मैं एक ऐसा पाइप कंसीडर कर लूं जिसमें यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मान लें, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 मान लें, ऐसे में अगर फ्लूइड की वेलोसिटी इस क्रॉस सेक्शन पर V1 है और इस क्रॉस सेक्शन पर V2 है, तो इस V1 और V2 के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? ये कहता है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अगर हम इस इक्वेशन को ठीक से समझें तो इसका मीनिंग है रेट एट विच लिक्विड इज एंटरिंग दिस पाइप इज इक्वल टू रेट एट विच लिक्विड इज कमिंग आउट ऑफ दिस पाइप लीविंग दिस पाइप। जिस रेट से लिक्विड पाइप के अंदर आ रहा है उसी रेट से लिक्विड पाइप के बाहर भी जाएगा। A1 V1 ये हो गया एंटर करने का रेट, A2 V2 हो गया बाहर जाने का रेट, इसलिए A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के वैलिड होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहला अजम्पशन हमने जो माना है इस इक्वेशन को लिखने के लिए वो है लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल। जो लिक्विड इनकंप्रेसिबल होंगे या जो फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होंगे उन्हीं के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वॉटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसलिए वॉटर के लिए यह इक्वेशन वैलिड है, पर एयर कंप्रेसिबल है। कोई भी गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, इसलिए गैसेस पर आप यह इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने तो यहां लिखी दिया लिक्विड, वैसे कंडीशन है फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड भी 100% इनकंप्रेसिबल नहीं होते, पर हम मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन यहां यह है कि फ्लो इज कंटिन्यूअस। आपने कांस्टेंट रेट से, यूनिफॉर्म रेट से फ्लो को मेंटेन कर रखा है। आप अपने नल को ऑन या ऑफ नहीं कर रहे हो, आपका जो टैप है उसको ना तो आप ऑफ कर रहे हो ना ऑन कर रहे हो, कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन्ड है, उस वक्त ये इक्वेशन वैलिड है। तो ये दोनों आपके कंडीशन हो गए इस इक्वेशन के वैलिड होने के लिए। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? रेट एट विच लिक्विड इज एंटरिंग इज इक्वल टू रेट एट विच लिक्विड इज एग्जिटिंग
a1 v1 equals to a2 v2. Thank you.